भाई हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ इतने लोग हमें ड्रॉप करने जा रहे हैं, और क्या है? ये लीजिए क्या? अच्छा और है? अच्छा पिकनिक का सामान है ये लोग, शॉप इतना नहीं बस दो पैकेट बहुत है। एक और ले लीजिए। ना 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 लेस कुछ अलग दे दो। क्या हुआ? नहीं नहीं वाटर वाटर नहीं नहीं ना 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 लाएंगे वाटर वाटर। हाँ और क्या हो गया, रानिया का हेयर कट अच्छा लग रहा है? पूरे ही कटवा दिए मैंने। वही तो, और तुमने भी तो हेयर कट करवाया है। मेरा स्टाइल नहीं है इनका स्टाइल, आप इनसे दिखाइए। हाँ अच्छा लग रहा है रानिया। भी देखिए यही चाहिए जिंदगी, चार दिन की जिंदगी है देखिए, दूसरे से कोई कितना मिल पाता है, बस अच्छे बातें याद रहे। बिल्कुल, हम तो कहते हैं अच्छे से जिंदगी गुजर जाए, यही बहुत है हर, सिर्फ एक मुस्कुराहट ही तो है जो हम लोग एक दूसरे को दे सकते हैं। अब इस बात आप गौर करिए, सोशल गैदरिंग के अलावा कोई मुलाकातें हो नहीं। अस्सलामुअलैकुम, पहुंच गए हम लोग। हाँ हाँ अच्छा बिल्कुल आइए। ऐसा क्या है, सब आएंगे और क्या, सभी हैं, सभी आ जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई हम लोग पद्मश्री कलीमुल्ला सर की मतलब मलियाबाद आए हैं आम देखने, और वहीं जा रहे हैं।
बहुत अच्छा है, लोगों ने हम लोग का मतलब इस्तकबाल किया है, इतने प्यार से बोल रहे हैं और नाश्ता वाश्ता भी लगा है। ये कुछ खाते हैं, क्या खा रही है यहाँ? बिस्किट आ जाए इमरान, बिस्किट खा रही नहीं? अच्छा अभी आम भी मिलेंगे, अभी आम भी मिलेंगे, अभी नाश्ता भी मिला है उन्हीं की तरफ से सब। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब क्या बात है। हम लोग पेड़ों के बीच में हैं और इतनी मतलब जमीन ऐसे ऐसे यहाँ में बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा लग रहा है। सब पेड़ों की मतलब पत्तियों से आमों से एकदम बहुत वही तू वही 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 कह रहे, कितना अच्छा लग रहा है ना। बहुत हम लोग एकदम आम आम से घिरे हैं चारों तरफ, अगर हर तरफ नीचे जमीन तक। हाँ माशाल्लाह, आइए ओए अरे वाकई सही है, बहुत ये काला पड़ गया है अंदर से बूदा शायक, मतलब इसकी क्या इसका क्या नाम है? ये आमिर बूदा शायक उन्ना तो वो चाहे, ये आमिर बूदा शायक फकीर थे उन्नाव में जी, ये उन्हीं ने खाद गुठली फेंकी थी। हाँ? तो बहुत लजीज आम है ये। अच्छा, तो ये जब वहाँ हुआ तो वहाँ पैदा हुआ, वहाँ से फिर यहाँ आया। अब ये 15 दिन ये लेट आम है, 15-20 दिन के बाद पकेगा। अच्छा, अब सोचिए आप लोग अगर ये ऐश्वर्या अमरूद का भी पेड़ है। अरे बहुत खूबसूरत अमरूद, इतना सेब से ज्यादा खूबसूरत। अच्छा, हाँ कोई इसमें कोई शक नहीं है कि शायद दुनिया में कम होंगे लोग। ये देखिए दशहरी भी है इसमें, नीचे दशहरी है तो वो वाला इतना नीचे ये यही पेड़ है, यही वाला है ना। अब कितनी है? 300? अब गिनती नहीं है, 300 से ज्यादा है बस। ये वही पेड़ है, कहाँ तक रख पाएंगे इस पे? एक पेड़ पे 300 से ज्यादा आम निकलते हैं। हमने पाकिस्तान का सिंघली आम भी मंगा लिया। अच्छा, चारों तरफ आम के और आज इसको पोस्ट किया। ये कुलसुम मैम है और इन्होंने 91 में इनके बारे में सर के बारे में निकाला मतलब बनाया था वीडियो। ये जर्नलिस्ट भी थी। अरे वो हम बनवा के आपको दे देंगे, नहीं हम उसको प्रेम करा के आ रहे हैं। बहुत अच्छा, ये प्रेम करा के हम आपको दे देंगे। ये करा दीजिए। ये आर्टिकल के बारे में बात कर रही हैं क्योंकि इनका इंटरव्यू तब लिया था 91 में, तो वो आज सारा आर्टिकल निकाल के दिखाया गया है। इतने प्यार से ये सर हम लोग के साथ चल रहे हैं, एक एक चीज के बारे में बता रहे हैं। आम देखो, मतलब वाह, यहाँ आना एक खुद में एक ऑनर की बात है। तो सर पद्मश्री कलीमुल्ला सर की हम लोग नर्सरी में हैं और वो भी पेड़ देखा जो 300 एक पेड़ में वाले कमरे में। अच्छा लगा, बहुत 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 मिरेकल एक्चुअली है कि पेड़ में 10 तरह के आम। हम लोग तो ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई यहाँ। मेरी बड़ी तमन्ना थी, मैं देखू कर 10 साल से मैं सुन रही थी मेरे कानों तक जब बात पहुँची, 10 साल हो गए इस बार। मेरी बड़ी तमन्ना थी मैं देखूँ, की बड़ी खुशी हुई है ना, कितनी खुशी साथ में हो रही है।
एकदम खड़े हैं। वाह अब उनकी बदकिस्मती और एसी को देखने आए हुए थे। अब टाइम है ग्रुप फोटो का। आज की नशिस्त जो है मैं कुलसुम की कितनी तारीफ करूँ, उसकी टीम की कितनी तारीफ करूँ, क्योंकि पीएचडी कर चुकी हूँ, उसके आगे कोई डिग्री नहीं होती सबको हो रही है। लाओ सारे दोस्तों को हर एरिया से जमा कर लो, गर्मी कम ना होगी मगर मोहब्बत तो बढ़ेगी। बेशक 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 आप लोग मुझे सच में इसका पता नहीं था, ये टोटल सरप्राइज है। फिर एक शाम आमों के नाम पर खुदकर ऐसी मोहब्बत में मिसाली, मुझको हैरानी हुई बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे के आँखों में बसा है जो मुसव्विर की सोच से तस्वीर में वो चेहरा उतर आया खुद, तस्वीर में वो चेहरा उतर आया खुद। और आप सबके हवाले शेर, और जिस अक्स को दरकार ना हो कोई आईना, जिस अक्स को दरकार ना हो कोई आईना, वो चांद तो पानी में उतर आए खुद, चांद तो पानी में उतर आए खुद बखुद। शराफ ने पहले की रोका था बहुत दिल को मगर टूट ही गया, अरे रोका था बहुत दिल को मगर टूट ही गया। बेसाख्ता प्याले मेरे भर आए खुद बखुद, बेसाख्ता प्याले मेरे भर आए खुद बखुद। पुरानी यादें आ जाती नहीं, हम आपको भी झल देंगे साथ साथ, बच्चे को दूध पिलाने के बहाने कमरे में सोने चली जाओ। पुराने जमाने की याद आज, और मुझे नहीं पता था कि मैं खुद एक मेहमान बन जाऊंगी यहाँ, लेकिन आप तो बहुत बहुत खैर मंगा, और खास तौर से इस गर्मी में आप लोग जितने लोगों ने मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है, और शायद ये जिंदगी का सरमाया है जो लोग यहाँ बैठे हैं। देख के लगता है कि अपने अपने का आप छोड़ के सब लोगों ने, मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती, लेकिन आपने एक शेर है जो मैं जरूर पढ़ना चाहूँगी कि रुला सकीना मुझे, रुला सकीना मुझे जमाने की तकलीफें, जमाने की मैं क्या करूं, मुझे आदत है पीजे। ये एक जज्बे के तौर पे हो रहा है और उन्होंने इस जज्बे में मेरा साथ दिया, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मतलब बहुत ही एक ऐसा नाम है
गर्मी अपनी जगह और हम लोगों की चाय अपनी जगह, चाय पी। बाकी सब तो चल ही रहा है, जैसे बहुत अच्छी इस पर बहुत अच्छी हम लोग चाय वाले हैं। पसीना बह जा रहा है ज़बरदस्त, असर उस पर जरा नहीं होता, रंजराहट सीधा नहीं होता, तुम हमारे किसी तरह न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। और उसके बाद से सुनो, अब उन्होंने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग मिलाए, तुम मेरे पास होती हो गोया, कोई दूसरी नहीं होती। तुम मेरे पास होती हो गोया जब कोई दूसरी घर में जूता ये है बहुत आमों के इमाम आबरू है मदियाबाद पद्मश्री करीमुल्ला खां साहब का बहुत मशहूर और ममनून हूँ कि आज उन्होंने एक खूबसूरत महफिल सजाने का मौका अदा किया। आज आपने सुना साबरा हबीब साहिबा को, हर दिल की धड़कन जो है वो बनी हुई है। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो सब, उन सब के दिलों में जो उनका एहतराम है, इस कदर इज्जत है, वो देखने को यहाँ पे मुझे नजर आ रही जो है वो नजर कर रहा हूँ मैं प्रोफेसर साबरा हबीब साहिबा को, कि मेरी निगाहे खास का ये इंतखाब है, मेरी निगाहे खास का ये इंतखाब है और सानी नहीं है इनका कोई, ये लाजवाब बेहतरीन शख्सियत के मालिक जिस महफिल में हो। तो मैं मुस्कुराना है तो कुलसुम से सलीका सीखो, इस इबादत के भी आदाब हुआ बेहतरीन शख्सियत, यानी जो गम में जिसे मुस्कुराना आता हो तो उस शख्सियत का नाम कुलसुम है। गालिब को आम बहुत पसंद है, पसंद सारे शायरों को आम, जैसे आम ना पसंद हो काय का शायर हो काय का, तो उसका एक वक्त के शेर देखिए याद आ गया कि गालिब थे चा बता गए शाकिर जमाने को, गालिब चचा बता गए शाकिर जमाने को, हर एक फल भतीजा है सबका चचा है। नज़्म में मैंने करीब 266 अक्साम बांधी है, लेकिन इतनी तो मैं नहीं पढ़ सकता, बेहोश हो जाएंगे मैं सकता हूँ मैं खुद भी। और ये भी कहा जा चुका है कि इनकी बराए आम हुई है यहाँ जो दावत आम, ये अहले दिल के लिए है मोहब्बतों का पयाम, ये अहले दिल के लिए है मोहब्बतों का पयाम, यहाँ पे फुल से लाकर शजर लगाए गए, फुल समझते हो जन्नत का, यहाँ पर फुल से लाकर शजर लगाए गए, हजार बार मेरा ऐसी सरजमीन को सलाम। ये हाथ वो नहीं जो उठाए बोल दुनिया का, ये हाथ बने फकत हिना के लिए, ये हाथ मदावा है दिल की धड़कन का, ये हाथ मदावा है दिल की धड़कन का, ये हाथ दे दो किसी हाथ ने खुदा। मुझे क्या पता था कि वह पहली एक जज के हाथ में इंसाफ पकड़ चुकी है, बस बाद में पता चला मगर जिस शायर ने जिसके लिए शेर कहा था उसे उनकी शादी हो। अब मैं ही नारिंद जी को दावत देती हूँ, आइए कि यहाँ जहाँ जहाँ कोई उर्दू जबान बोलता है, जहाँ जहाँ कोई उर्दू जबान बोलता है वहीं वहीं मैं रही हिंदुस्तान। बिना ये शहरों की जिंदगी अब तड़प के करती है याद अक्सर, वो गुड़ सी बातें वो सुंधी मिलती वो गाँव वाला सुकून भरा दे। तो और एक शेर में अमीर चचा और कुलसुम बंदी के नजर करना चाहती हूँ कि आंधियों को ये गुमा है कि बुझा देंगी चरा, आंधियों को ये गुमा है कि बुझा देंगी चरा, और चरागों को ये जिद है कि उजाला हो जाए। बहुत शुक्रिया। नाम से ही आम कहते हैं जनाब, वरना ऐसा खास है मिलता नहीं जिसका जवाब, शाह कहते हैं फलों का इसको सब अहले अलम, शाह कहते हैं फलों का इसको सब अहले अलम, मौसम गर्मा है इसकी वजह से ही मोहतरम, शाह कहते हैं फलों का इसको सब अहले अलम, मौसम गर्मा है इसकी वजह से ही मोहतरम, लीची और तरबूज का गर्मी में है अपना मकाम, है मगर सारे फलों में सबसे अफजल सिर्फ आम, और ऐसी लज्जत है कि मानो फल नहीं पकवान है।
ऐसी लज्जत है कि मानो फल नहीं पकवान है, ताजदारे जायका है, शाने दस्तरखान है। और इतनी किस्में है कि किसका जिक्र हो किसका नहीं, नाज हमको आम की हर किस्म पर है फिर यकीन, और टुकनी और कलमी की भी बेहतर की बहसे खूब है, टुकनी और कलमी में भी बेहतर की बहसे खूब है, आशिकाने आम के बस आम ही महबूब है, और कोई चौसे पर फिदा कोई सफेदे पर निसार, कोई चौसे पर फिदा कोई सफेदे पर निसार, दौड़ हो आमों की तो लंगड़ा भी होगा शहसवार, कोई चौसे पर फिदा कोई चौसे पर फिदा कोई सफेदे पर निसार, दौड़ हो आमों की तो लंगड़ा भी होगा शहसवार, हर बिहारी मालदा का नाम करता है बुलंद, मुंबई वालों की है अल्फांसो पहली पसंद, और यूं मलिहाबाद के आमों की है लज्जत कमाल, यूं मलिहाबाद के आमों की है लज्जत कमाल, न्योतनी बिलौर के भी आम है कुछ बेमिसाल, मेरा ननियाल और ददियाल है उसमें भी आम के बागात है तो मैंने इसमें जोड़ दिया, यूं मलिहाबाद के आमों की है लज्जत कमाल, न्योतनी बिलौर के भी आम है कुछ बेमिसाल, और सबको है अपनी तरफ के आम पर बेहद गुरूर, दौड़ में शामिल है लखनऊआ दशहरी भी हुजूर, सबको है अपनी तरफ के आम पर बेहद गुरूर, दौड़ में शामिल है लखनऊआ दशहरी भी हुजूर, आम की हर किस्म का अपना अलग है जायका, रंग में कुछ सुर्ख कोई जर्द है कोई हरा, कोई थोड़ा तुर्श और कोई है मीठा बेहिसाब, हर कोई करता है अपने जायके से इंतखाब, हाँ मगर बचपन में आमों का मजा ही और था, हाँ मगर बचपन में आमों का मजा ही और था, आम बेहतर थे न जाने या वो बेहतर दौर था, हाँ मगर बचपन में आमों का मजा ही और था, आम बेहतर थे न जाने या वो बेहतर दौर था, हम छुरी काटे से खाने की नफासत से थे दूर, हम छुरी काटे से खाने की नफासत से थे दूर, चूस कर हर आम खाने का था हम सबने फितूर, और उफ वो कच्ची कैरियां छिड़का हुआ उन पर नमक, उफ वो कच्ची कैरियां छिड़का हुआ उन पर नमक, कर आंखों में भर जाती थी हम सबके चमक, और आम को पेड़ों पे चढ़कर कच्चे पक्के तोड़ना, अपने ही बागों से चोरी करके घर को दौड़ना, बाल्टी में ढेर से पानी में डूबे आम आए, बाल्टी में ढेर से पानी में डूबे आम आए, किसने कितने खा लिए गिनती कोई कैसे बताए, और बैठ कर छोटे बड़े सब साथ में खाते थे आम, आम की महफिल सजे तो क्या दोपहरी कैसी शाम, और आम तो रोटी पराठे से भी खा लेते थे हम, आम तो रोटी पराठे से भी खा लेते थे हम, और फिर गुठली का भी पूरा मजा लेते थे हम, और आम के किस्से ही ना कोई करे कैसे बयां, आम के किस्से ही ना कोई करे कैसे बयां, सबके माजी में है आमों की अलग एक दास्तां, और आम एक दस्तूर है एक रस्म एक त्योहार है, आम एक दस्तूर है एक रस्म एक त्योहार है, सब मनाते हैं इसे ये फल नहीं है प्यार है। वाह वाह क्या उम्दा महफिल है, मतलब आम के बाग में आम पर ही शायरी चल रही है, मजा आ रहा है सब। कैसे बताएं कैसा ये प्यारा है लखनऊ, वो शहर जिसमें प्यार की बहती है गोमती, तहजीब में फिजाओं में झोली है ताजगी, और मैंने जो एक गुरूर है हम जानते नहीं, मैंने जो एक गुरूर है हम जानते नहीं, लहजे में भी घमंड को गर्दानते नहीं, और हम मुंतसिर मिजाज हैं कहते हैं खुद को हम, हम मुंतसिर मिजाज हैं कहते हैं खुद को हम, तुम और तू भी कहते नहीं आपकी कसम, और आओ को आइए भी बनाया हमी ने है, आदाब का चलन भी सिखाया हमी ने है, शामे अवध की धूम जहां में यहीं से है, गंगो जमन की शान इसी सरजमी से है, और एक आलिया बना गई मंदिर यहां बड़ा, एक आलिया बना गई मंदिर यहां बड़ा, मस्जिद भी है पड़ाइनों वाली इसी जगह, और टुंडे के बेनजीर कबाबों का शहर है, लज्जत में आज भी ये नवाबों का शहर है, लज्जत में आज भी ये नवाबों का शहर है, और इल्मो अदब की रखता है ये कीमती एहसास, बोली में जिसकी हिंदी और उर्दू की है मिठास,
खुशबू पसी है इसमें अनीस और दबीर की, जब बस्त की मजाज की रुसवा की मीर की, लौटे हुए भी हम नहीं करते हैं तकार, लहजे पे भी जबां पे भी रखते हैं इख्तियार, कोई लड़ा भी दे तो बढ़ाते नहीं है बैर, कोई लड़ा भी दे तो बढ़ाते नहीं है बैर, ये शहर एक घर है नहीं कोई जिसमें बैर, अब देते हैं मुस्कुरा के मोहब्बत का हम प्याम, देते हैं मुस्कुरा के मोहब्बत का हम प्याम, करते हैं दुश्मनों से भी तहजीब से कलाम, और हम इससे होके दूर भी रहते हैं इसके साथ, लगता है ये हमेशा हमारा पकड़ के हाथ, और हम इसको लेके फिरते हैं दुनिया में चार सू, हम इसको लेके फिरते हैं दुनिया में चार सू, दिल में हिना बसाए हैं हम अपना लखनऊ। उन्होंने सिखाया था किसी को पता न चले कि कौन सी है, कुछ चल रहे हैं, लेकिन जो हीरा ने नक्शा खींचा है मुझे तो खुशबू की याद आ रही है, नजर जा रही है रवादारी में, मतलब कोई ऐसा होता है कि एक तरफ का होते जाता है, या शहर से जब नाश से हर अमीरी से हमें ये मुफलसी अच्छी लगी, हर अमीरी से हमें ये मुफलसी अच्छी लगी, खूब अच्छे अच्छे शेर और शायरी हो रही है, अच्छा लग रहा है, तो बहुत अच्छे बड़े शायर है सोफिया, माहौल अच्छा लग रहा है। कहती हूँ अच्छा बहुत है, अगर मुझे जहाँ बहुत है खुदा इस शहर को आबाद रखे, ये आमों की तरह मीठा, ये आमों की तरह मीठा। वाह, उससे पहले मैं दो लाइनें जो है कुलथुम मैम के लिए बोलना चाहूँगा, वो बहुत मशहूर गाना है कि गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहाँ, मैं खुद को उस मुकाम पे लाऊंगा। तेरे पीछे होगी दुनिया पागल बन, क्या बोला मैंने कुछ समझा पागल बन, और सहरा में भी ढूंढ ले दरिया पागल बन, सहरा में भी ढूंढ ले दरिया पागल बन, वरना प्यासा मर जाएगा पागल बन, और आधा दाना आधा पागल, नहीं 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 उसको पाना है तो पूरा पागल बन, उसको पाना है तो पूरा पागल बन, और दानाई दिखलाने से कुछ हासिल नहीं, दानाई दिखलाने से कुछ हासिल नहीं, पागल खाना है ये दुनिया पागल बन, पागल खाना है ये दुनिया पागल बन, और लोग तुझे देखें तो पागल हो जाएं, लोग तुझे देखें तो पागल हो जाएं, इतना उम्दा इतना आला पागल कि लोगों से डर लगता है, लोगों से डर लगता है तो घर बैठ, और जिगरा है तो मेरे जैसा पागल। खुदा करे इसी तरह चमकती रहे, तरक्की करें, और कलीमुल्ला साहब की सरपरस्ती में हम लोग आम खाते रहे, और आम गिनते गिनते नहीं खाते रहे, इन्होंने 50 दिन है, इन्होंने 50 दिन आए, 600 बाकी है, घूम चुके चांद सितारों की जबी, बामल घूम चुके चांद सितारों की जबी, बेअमल दस्ती लकीरों में मुकद्दर देखें, ये नहीं है दस्ती मुकद्दर नहीं के कुछ करने के जज्बा की, और मैं अकेली ही चली थी जानिब मंदिर में, मैं अकेली ही चली थी जानिब मुजक्कर को मोनस कर दिया, मैं अकेली ही चली थी जानिब मंदिर बगैर लोग साथ आते क्या, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके लिए शेर सुनो, ये झुर्रिया नहीं कामदानी है, इसके पीछे भरी जवानी। इसके बाद हम लोग
अच्छा यहाँ चारों तरफ अब हम लोगों को खाने के लिए आम लाए गए हैं इमराना हम नेहा। अब बढ़िया आम एंजॉय करेंगे। पता नहीं कौन सा है क्योंकि इतनी दशहरी है, इतनी वैरायटी ऑफ आम इन लोगों ने बताया है। और जी भर के खाओ। हाँ हाँ वही आम पार्टी ऐसी। और उधर भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं, ये जो सब लोग लेने के आ रहे हैं आम। तो मलिहाबाद से हम लोग वापस आ गए हैं और यहाँ डिनर के लिए सब लोग रुके हैं। और आज इत्तेफाक ऐसा है, हमने सलाम दुआ नहीं की, बड़ी हड़बड़ रही। तो सबसे पहले सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे और आपकी दुआओं से हम भी एकदम ठीक हैं। चलिए देखते हैं क्या है डिनर में आज। अपने यहाँ चलो क्या बोला है कि मतलब तुम्हें फिर दे कॉल करेगा क्या होगा? हाँ, कॉल करेंगे, बताएंगे, वहीं रहते हैं। अच्छा तो ठीक है, बता देंगे। जी शुक्रिया बहुत बहुत। है अब है डिनर का टाइम और ये है मेरी प्लेट और डिनर स्टार्ट हो गया। चलिए अभी बिस्मिल्लाह करते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो मेरे साथ कौन है? अब अपना नाम बताइए। साजिदा सबा मेरा नाम है और ये बहुत उम्दा शायरा है। तो कुछ मेरे लिए कुछ कह सकती हैं? बिल्कुल, कोशिश करूँगी। हाँ मतलब आज तुम दिखाई देंगी नहीं तुमको जिंदगी की तरह, दिखाई देंगी नहीं तुमको जिंदगी की तरह, हमारी आँखें हैं सूखी हुई नदी की तरह। बहुत उम्दा। और आपके और भी हमने शेर वो सब सुने हैं। और वही प्यारे तो कौन है, मतलब पता है आपका शादी की खुशी कौन कौन एकदम क्लिक नहीं होता आप साल में आया कौन है? आप रोने होने लगते हैं। मिला नंबर नोट कर लीजिए। आप सही किया, मुझे लगा सही किया। अल्लाह हाफिज़। सही चले। बस अब खाना वगैरह खा के हम चल रहे हैं। इतना बड़ा सा कूलर है, अब जान में जान आई है ना? भाई हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं कूलर में खड़े हैं जान में जान। बड़ी अच्छा लगा सच में। देखिए सब लोग बड़े सुकून से हैं, ये जगह छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग को घर जाना है तो चलिए चला जाए। मेरे साथ हैं इस वक्त मतलब लखनऊ की बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हिना रिजवी जी, और ये बहुत 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 उम्दा शायरा हैं। तो कोई एक कुछ भी एक आंधियों को ये गुमा है कि बुझाना हो जाए और चराहों को ये जिद है कि उजाला हो जाए। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। आप ऐसे ही चमकती रहिए और ऐसे ही वो उम्दा शायरी हम लोगों के लिए बनाती रहिए, हम लोग को सुनाती रहिए। बहुत बहुत अच्छा लगा। और ये सफ़र लखनऊ से मलिहाबाद और मलिहाबाद से लखनऊ का सफ़र हम इन्हीं के साथ कर रहे हैं, इन्हीं की गाड़ी में। बहुत याद कितनी माशाल्लाह बात की गर्मी है, सब अपने बचपन की जो चीज़ें हम लोग करते थे, जो बच्चे लोग करते हैं, बहुत अच्छा था है ना? बिल्कुल खानों की और लखनऊ खानों की मेन लखनऊ की खाने बहुत। चलिए फिर मिलते हैं। मौका नहीं मिला पढ़ना। चौसा कहता है ये माना
तुम हर गली हर नुक्कड़ की शान हो, ये माना तुम हर गली हर नुक्कड़ की शान हो, दशहरी हर जगह मिल जाती है। आता हूँ मैं देर से सही, पर हर महफिल की मैं ही जान हूँ। मेरे आने का सबको रहता है बेसब्री से इंतजार, मेरा जायका चखने के लिए सब रहते हैं बेकरार। मैं हूँ दशहरी, मैं ही हूँ सबसे खास। अब दशहरी कह रही है कि मैं हूँ दशहरी, मैं ही हूँ सबसे खास, राजा बनने की तुम मत रखो आस। चौसा कहते हैं, जंग छिड़ी है तो अब फैसला होकर रहेगा, तुम्हारा ये घमंड अब सोकर रहेगा। अपनी गुहार लेकर हम पद्मश्री कलीमुल्ला जी के पास जाएंगे, कौन है बेहतर हम में अब वही ये बताएंगे। बहुत अच्छा लिखा है सच में। घर वापस आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, और खूब सारा आम लेके आए, खूब सारा क्या 5 किलो आम ले लिया था। पद्मश्री कलीमुल्ला साहब की नर्सरी से लिया, उनके नर्सरी नाम अब्दुल्ला नर्सरी था, वहीं गए थे, बड़ा अच्छा लगा। और चलिए अभी फ़िलहाल ऊपर चलते हैं, फिर थोड़ी बात करेंगे आप लोगों से। और ये बहुत मज़ा आया आज तो वहाँ। और ये जो आम है ये 100 रुपये किलो है, क्योंकि जहाँ से लाए हैं अब देखते हैं कैसा निकलता है। वहाँ तो आम है, बहुत मज़ा आया था। अब फिलहाल ऊपर चलते हैं, बहुत हैवी है। तो वापस घर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया मलियाबाद में। और मलियाबाद का ये मेरा पहला इस तरह का ये ट्रिप रही कि बाग में बैठे, और वो भी पद्मश्री कलीमुल्ला साहब के बाग में जा, और वाला भी पेड़ देखा जिसमें कहते हैं एक पेड़ में 300 से अब तो ज़्यादा वैरायटी हो गई, वो उन्होंने खुद बताया, जो आप वीडियो में आपने देखा ही होगा। बहुत अच्छा लगा हर चीज़ देख कर, मतलब बहुत मज़ा आया। और ये एक किश्वर कनेक्टिंग, ये एक ग्रुप है जिसमें जिसके थ्रू सब लोग गए थे। और कुलसुम आपा थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी ट्रिप थी जो आपने ऑर्गेनाइज करी। और इमराना थैंक यू, तुम्हारी वजह से हम जा पाए, तुम्हें कहा कि नहीं चलना चाहिए, अच्छा लगेगा। वाकई बहुत अच्छा लगा। और आम के बाग में बैठ कर आम वाली बहुत सारी शेर शायरी हुई, और बहुत अच्छे अच्छे शायर गए थे, हिना रिजवी थी और भी बहुत सारे शायर थे। हिना रिजवी पहले तो मतलब हम लोग को ले पिक और ड्रॉप उन्होंने ही किया, उन्हीं के साथ आए गए, थैंक यू हिना। और आप बहुत बड़ी बहुत उम्दा शायरा हैं, और एकता और हर जश्न लखनऊ में भी आपने पढ़ा, जो बहुत ही फेमस हैं। तो ये सफ़र बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। तो अब मेरे ब्लॉग की एंडिंग का टाइम है, तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमको अपनी दुआओं में याद करिए। मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।